लाइफ में हम चाहे कितने भी टारगेट सेट कर ले अगर हमारी हेल्थ हमारा साथ ना देगी तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे हेलो अ वेरी वॉम वेलकम टू द सेलेब्रिटी टॉक शो जहां हम जज्बे जोश और हौसले की बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विजनरी लीडर्स के साथ और आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे बालको मेडिकल सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भावना सेरोही से हेलो से। डॉक्टर भावना वेरी वॉम वेलकम टू द सेलिब्रिटी टॉक शो सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सलाम आई एम श्योर यू सेविंग अ लॉर्ड ऑफ लाइव तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे डिसाइड किया कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं एंड दैट टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं जब पंद्रह साल की थी तब मैंने एक किताब पढ़ी थी उसका नाम था फीवर बाय रॉबिन कुक उस समय मैंने सोचा था कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगी कि जिस तरह से प्रोटैगनिस्ट अपनी बेटी के लिए लड़ता है और उसको बचाता है तो उस समय दिमाग में आया था कि कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगी पर उसके बाद पता चला कैंसर स्पेशलिस्ट बनने के लिए डॉक्टर पहले बनना पड़ेगा और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई तो मेरे हिसाब से अगर आपका फोकस है तो लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती तो उसके बाद मैंने अपनी नई ड्रीम्स बनाई तो अभी आपके नए ड्रीम्स कौन से हैं मैं 20 साल लंदन में थी तो यही सोच के मैं वापस आई कि कुछ अपने देश के लिए करें तो हमारे सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैंसर के स्टेटिस्टिक्स बहुत ख़राब हैं मतलब जो पाँच ईयर सर्वाइवल हम आप सोचिए अगर लंडन में देखा जाए यूके में तो वो नब्बे प्रतिशत है हमारे भारत में ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो साठ से सत्तर प्रतिशत है पर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पच्चीस से तीस प्रतिशत है oh तो मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पर काम करूँ और तीस को साठ करूँ कम से कम बिल्कुल और उससे वो सिर्फ उसी से हो सकता है कि हम कैंसर को जल्दी पकड़े और इसका इलाज करें बिल्कुल बेसिकली अवेयरनेस कम है कि किस तरह से जब डिटेक्ट होता है तो किस तरह से उसे ट्रीट कर सकते हैं एंड आई एम ग्लैड टू नो कि बालको हॉस्पिटल जो है रायपुर में है एंड ज़्यादातर लोग बाहर जाया करते थे मुंबई में या दिल्ली में इलाज के लिए बट छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो इमर्जिंग एज अ बिग मेडिकल हॉटस्पॉट एंड थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू प्लीज लाइट ऑन दिस तो जो बालको मेडिकल सेंटर है ये 170 बेडेड कैंसर सेंटर है hmm. जो वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के नीचे आता है okay. तो ये उनका भी यही जज्बा है कि देश के लिए कुछ करें ये सेंटर करीब छः साल पहले बनाया गया था मैं दो साल पहले इससे जुड़ी हूँ और मेरा उद्देश्य जब से जुड़ी हूँ उस एक ही मकसद है कि किस तरह से पेशेंट्स का कैंसर जल्दी पकड़ा जाए और हर पेशेंट चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे सक्षम हो हर एक का इलाज बेस्ट से बेस्ट तरीके से करा जाए तो हमारे हॉस्पिटल में तीन चीज़ें एक सेंटर को बनाती हैं सबसे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अनिल अग्रवाल जी ने हमें बना के दे दिया है और ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एज़ फार एज़ अ कैंसर सेंटर गोज़ दूसरा है मैन पावर Hmm. जो वर्किंग हैंड्स हैं तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक गाँव लगता है मतलब एक बंदा उसको ट्रीट नहीं कर सकता पूरी hmm. टीम लगती है तो उसके लिए सर्जन रेडिएशन मेडिकल पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन हम सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का क्या इलाज होना चाहिए hmm. तो जो टीम है हमारी वो मैं कह सकती हूँ पूरे विश्व में बेस्ट है और तीसरा है एक्सपर्टीज Right. वो भी जो है आ, बेस्ट है हमारे आ, हमारे हॉस्पिटल में और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कैंसर की जो हम आ, ट्रीट नहीं कर सकते हैं hmm. चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो पेशेंट्स को एक्चुअली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है छत्तीसगढ़ right. से या रायपुर hmm. से मेरा मानना है जो भी सेंटर आपके सबसे पास हो वहीं पर इलाज कराना चाहिए और सही टीम को ढूंढना बहुत ज़रूरी है सेंटर को और टीम को एक बार वो मिल गया तो फिर आ, आ, कोई इलाज है जो कि जो मतलब कि इम्पॉसिबल ना हो कैंसर के लिए एब्सोल्युटली आपने ये भी बताया कि किस तरह से डिटेक्शन से ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो सकता है अदर एनी सिम्टम्स एट वन शुड बी वॉचिंग आउट फॉर जिसकी वजह से वो जाए टेस्ट कराने या कोई ऐसा रूटीन टेस्ट हो कि हमें ऐसी सिचुएशन या नौबत ही ना आए जो 70 से 80 प्रतिशत पेशेंट्स आते हैं हमारे बालको मेडिकल सेंटर में वो स्टेज थ्री और फोर में आते हैं मतलब उनका कैंसर जैसे अगर ब्रेस्ट में शुरू हुआ है तो वो फैल गया है हमारे पास वो सुविधा नहीं है या जानकारी नहीं है या अवेयरनेस नहीं है और आप जो ये कर रहे हैं इससे जो है मैं होप करती हूँ कि अवेयरनेस फैलेगी भारत में और छत्तीसगढ़ में सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि तंबाकू का सेवन बंद करना है और मुंह में कोई छाला हो या कोई गले में गांठ हो उसको जल्दी से जल्दी दिखाना है खासकर कि जो ठीक नहीं हो रही है तो वो आपको जांच कराना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में जाके और कुछ टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं जैसे अगर आप पैंतालीस साल से ऊपर के हैं तो आपको साल में एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए ब्रेस्ट का हमारी मेमोग्राफी वैन है जो गांव-गांव में जाती है छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में लोगों का मैमोग्राम करती है जो 45 से ऊपर के हैं और कोई पैसा नहीं खर्च होता है फ्री में होता है तो कराना चाहिए लोगों को दूसरा हमारे यहाँ बच्चेदानी के नीचे वाला हिस्सा सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है तो उसके लिए हम पैप्समियर करते हैं वो हर तीन साल करना चाहिए okay. और तीसरा कैंसर जो बढ़ रहा है अब शहरों में mm -hmm. वो है आंतों का कैंसर तो उसके लिए आपको अपने स्टूल का ओकल्ट उक, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए साल में एक बार चालीस के उम्र के ऊपर हैं अगर आप तो अगर आप ये सब जांचें कराएंगे तो कम से कम आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि कैंसर को आप स्टेज जीरो पे पकड़ें स्टेज वन पे भी नहीं जीरो पे जीरो का मतलब है प्री कैंसर स्टेज पे सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू योरसेल्फ मैं जानना चाहूंगी एज अ डॉक्टर वे डू यू थिंक इंडिया स्टैक्सअ वेन इट कम्स टू टेकिंग केयर साइकोलॉजिकली ऑफ द पेशेंट कैंसर डायग्नोसिस से मैं हमेशा बोलती हूँ तीन टॉक्सिसिटीज़ होती हैं hmm. एक फाइनेंशियल तो है ही एक टाइम hmm. टॉक्सिसिटी आपको अपना टाइम देना है इलाज के लिए और तीसरी है इमोशनल टॉक्सिसिटी और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो जैसे हमारे बैल्को मेडिकल सेंटर में एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो पेशेंट्स को देखते हैं न्यूट्रिशनिस्ट तो ये दो जो पिलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट hmm. है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है पर हमारे देश में आई फील हम लोग बहुत लकी हैं बिल्कुल। कि हमारी फैमिली जो है हमारे ओ, साथ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। <laughs> हम ओके सो डॉक्टर कोई खास कॉजे या कुछ खाना या हमारा लाइफस्टाइल क्या ये सब कारणों की वजह से कभी कैंसर हो सकता है सो so, मैं बोलती हूँ थ्री एल्स होते हैं लेगेसी मतलब आपको जो जीन्स मिले हैं अपने माता पिता से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर ज्यादा है तो आपको कैंसर होने की संभावना है okay. पर वो लेस देन फाइव परसेंट है हुँ. दूसरा है लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा है लक जब हमें ये दोनों नहीं पता है तो वो लक uh, के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्यों हुआ हम उस पे शोध जारी है इनफैक्ट हमें अभी बहुत बड़ी ग्रांट मिली है सी आर यू के से इसी okay. बात के लिए कि यंग लोगों में इतना आंतों का कैंसर क्यों हो रहा है एक्चुअली hmm. भारत में जब से स्वस्थ भारत अभियान शुरू हुआ है hmm. उससे एक चीज का तो हुआ है कि जो इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर है hmm. पेट का कैंसर और सर्वाइकल hmm. कैंसर वो hmm. नीचे जा रहे हैं अच्छा। और जो लाइफ रिलेटेड कैंसर है ब्रेस्ट और कोलन कैंसर ये okay. तेजी से बढ़ रहे हैं आप अगर देखोगे यहाँ पे किसी भी गांव में जाओगे तालाब है उसके पास लेडीज उनके लिए सोशल है वहाँ नहाने आते हैं कपड़े धोने आते हैं तो उससे क्या होता है उनको क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो जाती है बार बार इन्फेक्शन हो जाता है पैड अभी भी नहीं यूज करते हैं वो बोलते हैं कि हमको इचिंग हो जाती है ठीक नहीं है तो वो कपड़ा सुखाते हैं छाए में शर्म के मारे तो उसमें क्या है फंगस इंफेक्शन हो जाता है उससे फिर दोबारा इन्फेक्शन तो हम बालको से दो चीज का अभियान कर रहे हैं टोबैको सिसेशन और मैं okay. हाइजीन right. कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को अवेयर करें okay. जिससे कि उनका कैंसर बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एब्सोल्युटली तो हमारा फोकस इंडिया में और छत्तीसगढ़ में कैंसर प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए एब्सोल्युटली एक और जो आपने इम्प्लिकेशन बताया था वो है फाइनेंशियल राइट right? yes. कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो आई वॉन्ट टू नो किस तरह से इंसान उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे आते गवर्नमेंट स्कीम्स अबाउट बालको मेडिकल सेंटर आर दे डूइंग टू हेल्प पीपल बालको मेडिकल सेंटर में हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी पेशेंट अगर कैंसर का आ जाए hmm. तो वो फाइनेसिस की वजह से वापस नहीं जाएगा okay. अभी चाहे हमें कीटो फंडिंग करनी पड़े अभी लास्ट ईयर हमने सात करोड़ करीब इंडियन कैंसर सोसाइटी कडल्स फाउंडेशन अरुण कुरकुरे फंड हमने खुद का बी एम सी चैरिटेबल फंड क्रिएट किया लोकल इंडस्ट्रलिस्ट से पैसा लिया सो so, कि कोई पेशेंट का इलाज ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है पी एम जे जो स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम हमारे करीब साठ से प्रत, सत्तर प्रतिशत पेशेंट्स उस पर पे हैं oh, okay. हर फैमिली को पाँच लाख रुपये मिलता है और मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट इनफ है hmm. और मेरे हिसाब से आयुष्मान भारत एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ हमारे कंट्री का पहला एफर्ट है मेरी uh, एक रिक्वेस्ट होगी आपके व्यूअर्स से कि हर एक को अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए बिल्कुल पॉइंट नोटेड डॉक्टर भावना थैंक यू सो मच यू बीन वेरी वेरी विजिट वेल्को मेडिकल थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू Well, I hope you really enjoyed this conversation. Thank you so much. Stay tuned to the celebrity talk show, Dekhtaraye, News 18, Madhya Pradesh, Chhattisgarh.